पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बने मध्य प्रदेश कांग्रेस के समन्वय समिति के अध्यक्ष। प्रदेश कांग्रेस ने अपनी घोषित की प्रदेश की समन्वय कार्यकारिणी। संजय स्टेडियम पर आयोजित किए जा रहे ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के दौरान पहुंचे गुना कलेक्टर बी दत्ता। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से की मुलाकात और वितरित की खेल सामग्री। संजय स्टेडियम पर बन रहे नए नेट्स और टर्फ विकेट को लेकर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने जताई आपत्ति। नए नेट्स के बनने से एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के लिए बनाई गई लॉन्ग जंप की पिट्स हो जाएगी पूरी तरह से समाप्त। पार्षद वंदना मांडरे ने भी नए नेट्स के निर्माण को लेकर नगरपालिका को घेरा। प्रभारी मंत्री जयवान सिंह पबैया आज से दो दिन के गुना जिले के प्रवास पर। गुना में प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं से की बातचीत और साथ ही मंडी और तुलाई से संबंधित व्यवस्था को लेकर ली आवश्यक बैठक। शहर के अनाथालय में पल रही अनमोल और खुशी को गोद लेने आए इटली के दंपत्ति ने प्रभारी मंत्री जयवान सिंह पबैया से सर्किट हाउस में की सौजन्यपूर्ण मुलाकात। प्रभारी मंत्री ने बच्चियों को दी शुभकामनाएं और दंपत्ति को दी बधाई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज पेट्रोल पंप पर पहुंचकर किया मूल्य वृद्धि का विरोध। शीघ्र सरकार से मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग। गुना और छिपोन केंद्र पर व्यवस्था देखने पहुंचे तहसीलदार और मंडी सचिव ने हमालों द्वारा तौल के दौरान फैलाकर चुराया गया 10 क्विंटल चना पकड़ा। पिछले दिनों जहर खाने से एक अधेड़ दंपत्ति की उपचार के दौरान हुई मौत। गोगो सिंह चक पर एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर की आत्महत्या। पेची के पास फोरलेन पर पिकअप वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। बच्चों का मुक्तिधाम बुरी हालत में, मुक्तिधाम के पीछे मिला नवजात का शव। तरनौदा पुलिस को मिली 4,000 रुपए के फरारी इनामी बदमाश पारदी को गिरफ्तार करने में सफलता। आरोपी संजय पारदी की हत्या के मामले में थी 2013 से तलाश। बरखेड़ा हाट में चल रही संगीतमय श्री राम कथा में आज श्री राम राज्याभिषेक के साथ हुई राम राज की स्थापना। विशाल भंडारे और अनुष्ठान के साथ संपन्न हुआ भव्य आयोजन। जीवन में वो जोड़ो जो मृत्यु पर्यंत भी साथ साथ चले। ग्रीष्मकालीन वाचना के दौरान धर्मसभा के दौरान कहा मुनिद्वय श्री निर्णय सागर जी पद्म सागर जी महाराज ने। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रभारी मंत्री जयवंत सिंह पबैया से सर्किट हाउस में की मुलाकात और उन्हें सौंपा ज्ञापन। घर से छुट्टी लेकर लौटे सिक्योरिटी गार्ड ने कल रात फांसी लगाकर की आत्महत्या। नानाखेड़ी में भी एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 14,000 फीट की ऊंचाई पर देश के जांबाजों से मिलने पहुंचे गुना के युवा। मां तुझे सलाम योजना के अंतर्गत देश की सीमाओं को जानने के लिए गए थे गुना के ये युवक। अतिथि विद्वान अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मिले उच्च शिक्षा मंत्री जयवान सिंह पबैया से। मुलाकात के बाद विद्वानों में झलकी निराशा, कहा मंत्री जी नहीं मान रहे उनकी किसी भी मांग को। ग्राम पंचायत हमीरपुर में गंदे नाले की वजह से ग्रामीणों में फैल रहा है मलेरिया, लोग परेशान। गुना स्टेशन की विभिन्न व्यवस्थाओं के अवलोकन के पश्चात उन्होंने व्यवस्थाओं पर जताया संतोष, दिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश। 16 वर्षीय एक नाबालिग बालक पिछले 7 दिनों से लापता, बीनागंज से शाजापुर के लिए हुआ था रवाना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा के तारतम्य में आज चांचोला विधायक ममता मीणा ने उदयपुर श्यामपुर गोडिया सियाखेड़ी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से किया जनसंपर्क और भाजपा की विभिन्न योजनाओं के बारे में उनको दी जानकारी।